और दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी दंगों के पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेके सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? मैं तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएंगे। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे हमारे शासन में। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। मित्रों, हमने वादा किया था 2017 में कि किसानों का ऋण हम माफ करेंगे और 36,000 करोड़ का ऋण योगी जी ने एक सप्ताह के अंदर माफ करने का काम किया। मित्रों, ये गन्ना का क्षेत्र है, लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की ये वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरते हैं। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया था। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे प्रत्याशी को, यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया था। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की एक नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती थी। जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर
राजनीति करने वालों का बोलबाला था। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, मैं 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी, कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी, और अखिलेश बाबू आते थे तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है, बात है तो सुरक्षा और विकास की बात है और कोई बात नहीं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहां, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाएगा। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों, उत्तर प्रदेश में 70%, और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है, और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया, आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बताने को कही। मित्रों, ये वोट जो है ना, वोट लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार और मत, अपना वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में फेर, ताकि का बख्तर बने ताकि की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वोट तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्यवाही की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुआ।
जो पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया, और हजारों हजारों केस, फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे अदालत में लड़नी पड़ी हो, चाहे रोड पर लड़नी पड़ी हो। अभी अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, देखी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात करा कि हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हो, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊ आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हो, क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। भाई जोर से बोलो, समझे हो ना? जरा जोर से बोलो, समझे हो या नहीं समझे हो? आपको यहां किसी को मुगालते में लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग सब कुछ समझते हैं कि काउंटिंग के बाद अगर आपकी सरकार हुई तो क्या हुआ? मित्रों, ये भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही, और विशेषकर जाट समाज हमारी सभी सुरक्षा बलों में और सेनाओं में भर भर कर हमारे समाज के लोग, यही धरती के लोग, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग भरे हुए। कहीं पर भी सीमा में चले जाओ, यहां का लड़का आपको मिल जाएगा। मैं तो कई जगह बीएसएफ के कैंप में भी गया, सीआरपीएफ के कैंप में भी गया, कश्मीर गया तो सेना के कैंप में भी गया, सब जगह मिलते हैं। तो ये वीरों की भूमि है, हमेशा यहां पर देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाले लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये भारतीय जनता पार्टी भी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखने वाली पार्टी है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, याद है ना सरकार? याद है या नहीं है, जोर से बोलो। वो सरकार अकेली नहीं थी, सपा और बसपा का समर्थन था उनको, सपा ने भी समर्थन दिया था, बसपा ने भी समर्थन दिया था। 10 साल देश में शासन किया इन्होंने, 10 साल तक देश की सरहदों को, सरहद के उस पार से पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया जमालिया आते थे, देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काटते थे और पैरों से अपमानित करते। अरे दिल्ली के दरबार में जो नेतृत्व तो बैठा था, सपा बसपा कांग्रेस का नेतृत्व, उनके माथे पर जू नहीं रहते थे, वोट बैंक की लालच में उफ नहीं करते थे। बदला लेने की तो बात छोड़ो, आपने कृपा कर दी, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पाक प्रेरित आतंकवादियों को लगा कि ये सब अभी भी हम कर सकते हैं, ये सब हम अभी भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उरी में हमला किया, अपने जवानों को जिंदा जला दिया, पुलवामा में हमला किया, 40 जवान मारे गए, मगर पाकिस्तान मुगालते में था, उनको मालूम नहीं था यहां प्रधानमंत्री बदल गया है, पार्टी बदल गई है, अब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, और कांग्रेस सपा बसपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, दस ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। आप मुझे बताइए भाइयों, इस देश को
ये सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रख सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस सुरक्षित रख सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है मित्रों, और कोई नहीं। और ये चले हैं कहने के लिए हम कानून का राज लाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र हर समाज के हमारे जो पूर्वज है उसका सम्मान करने में विश्वास करती है। आज तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का काम किया और मोदी जी स्वयं वहां जाकर करें। और ये जो कार्यांजलि दी है वो सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं दी है। टांडा रमाला रोड का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा, छपरौली बरनावा रोड का नाम महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर रखा, विजयवाड़ा तक जाने वाली सड़क का नाम दादी चंद्रा तोमर के नाम पर रखा। हरियाणा में सर छोटू राम की प्रतिमा को हमने प्रस्तापित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अगर मूर्ति लगाएगी किसी की तो ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इससे आगे नहीं जाते वो। उनको तो सरदार पटेल से भी दिक्कत है। ये तो मोदी जी थे जिन्होंने आसमान को छूने वाला सरदार का स्टैच्यू केवड़िया कॉलोनी में बनाने का, ये मोदी जी ही थे। मोदी जी ने सरदार पटेल को सम्मान देने का काम किया और मोदी जी है जिन्होंने ल्यूटियन में सुभाष बाबू के पुतले को लगाने का संकल्प इस 23 जनवरी को, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए योगदान किया है। ये परिवार वाली पार्टियां इनका सम्मान नहीं कर सकती, अपने परिवार के इर्द गिर्द भी वो कहती। कल बात करते थे किसान की, अखिलेश भाई आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही, किसानों के लिए आपने क्या किया जरा लेकर आइए, हम पूछना चाहते हैं। सरकार ने पहले सालों तक, हमें मालूम है, उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिले थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा सपा, सपा बसपा ने कराई, ये बुआ भतीजा ने कराई। इसमें घोटाले हुए, सीबीआई जांच भी इसकी चल रही है। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। किसानों का 1,48,000 करोड़ रुपया समय पे चुकाने का काम किया। कुछ जगह देरी हो जाती है, मुझे कुछ किसान मिले थे, उन्होंने कहा कि अमित भाई कई बार देरी भी हो जाती है, तो मैं क्या करें भाई, डंडा लेकर तो नहीं कर सकते, कितना जल्दी के हाँ जल्दी चुकाया मगर देरी होती है। हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं कि जो देरी होगी उसका सूद वो मिल से वसूला जाएगा। सूद समेत किसानों को पैसा देने की बात की जाए। कांग्रेस की सरकार थी, रॉ शुगर आयात करते थे, यहां पर चीनी के दाम गिर जाते थे, चीनी के दाम गिरते थे तो गन्ने की पेमेंट नहीं होती थी। हमने रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी डालकर किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है और मित्रों परिणाम हुआ है 2021 की साल में 3,868 लाख टन गन्ना, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, और 427 लाख टन चीनी, जो भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है वो हमारे उत्तर प्रदेश ने की है। 54 डिस्टिलरियों के माध्यम से हमने यहाँ पर इथेनॉल बनाने का काम किया है और लगभग 261 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्तर प्रदेश ने बनाया है। हमने ढेर सारे किसानों के लिए और काम किए हैं, सारी इरिगेशन की योजनाओं को पूरा करने का काम किया, लगभग 4,72,000 किसानों को फसली ऋण देने का काम किया, फसल बीमा का लगभग 2,300 करोड़ चुकाने का काम किया है और आज
इसी का परिणाम है। मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आमला, दूध, ये सब में उत्तर प्रदेश सपा बसपा के राज में 1 से 5 में भी नहीं आते थे। आज गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आमला और दूध में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अखिलेश भाई ये हिसाब लेकर आना जरा मुजफ्फरनगर, फिर से आओगे मुझे तो मालूम है, आओगे नहीं आप, मेरी मीटिंग न होती तो आते भी नहीं आप। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना महत्व देते हो मुझे मालूम है, मगर फिर से आओ तो हिसाब किताब लेकर आना। मित्रों ढेर सारे काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार ने किए। यहाँ पर भी ढेर सारे हैं, खतौली विधानसभा में इंटर कॉलेज की स्वीकृति की है, 1100 करोड़ की रुपए की लागत से रिंग रोड बन रहा है, मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ का निर्माण हो रहा है, जौली बेहड़ा सादात मार्ग को स्वीकृत किया है, सिसोना से मदीना चौक तक कावड़ मार्ग का निर्माण किया है, रामपुर तिहारा तक का मार्ग मुजफ्फरनगर से रामपुर तिहारा तक मार्ग स्वीकृत किया है, 105 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति की बधाई में 220 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है, ढेर सारा काम किया है। मित्रों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन का उत्पादन के लिए भी इकाइयां लगी जा गई है। और मित्रों मैं एक बात कहता हूँ, आप मुजफ्फरनगर शहर और आसपास से आए हैं, मुझे बताओ भैया बिजली रानी पहले आपके घर में 24 घंटा रहती थी क्या? 7 चर्च में क्या ना रहती थी क्या? अखिलेश को ऐसा ना लगे कि संजीव बालियान से डर कर कह रहे हो, 7 चर्च में बताओ बिजली रहती थी क्या? जोर से बोलो रहती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर में 24 घंटा और गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, इसको प्रशासन के। अरे क्या मुफ्त मुफ्त की बात करते हो अखिलेश, आप तो बिजली भी नहीं दे पाते थे, मुफ्त क्या दोगे, जो चालू है उसको 10 घंटे पर फिर से पहुंचा दोगे। मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे उत्तर प्रदेश में काम करे हैं, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, परंतु जब हम सरकार में आए उसके पहले उत्तर प्रदेश 7वीं अर्थव्यवस्था देश में हुआ करता था, कौन से नंबर पर था? आज दूसरे नंबर पर है, 5 ही साल में 5 अंक। और ताली और एक बार फिर से बताना, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 1 नंबर बनाकर हम उसको छोड़े। प्रदेश का जीडीपी 10 लाख करोड़ था, उसको 21 लाख करोड़ तक 5 ही साल में पहुंचाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे, दूसरे नाम पर पहुंचे हैं। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थी, अब 40 मेडिकल कॉलेज है। पहले 1900 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, बन सकते हैं। चावल का उत्पादन 139 लाख मेट्रिक टन था, अब 163 लाख उत्पादन हुआ है। और अखिलेश बाबू ये आंकड़ा खास सुन लेना, गेहूं और चावल की खरीदी आप 100, धान की सिर्फ खरीदी आप 123 लाख टन करते थे, योगी जी के समय में इसको 214 लाख टन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दलहन का उत्पादन भी बढ़े हैं, आप 4 अड्डे हवाई अड्डे छोड़कर गए थे, हमने 8 बना दिए। और मुजफ्फरनगर वालों याद रखना, जेवर का हवाई अड्डा बनेगा ना, उस दिन ही आपकी भूमि की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी होने वाली है, पता बेचना मत कोई, जेवर का हवाई अड्डा बनने तक। ये मेरठ का एक्सप्रेसवे सिर्फ मेरठ को फायदा नहीं करेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को करेगा मित्रों, और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे हैं। हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, कई लाख लोगों को, 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिया है, हर घर में 5 लाख गरीब के घर में 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भेजा है, हर घर के अंदर
बिजली का करेक्शन और एक लट्टू पहुंचाया है, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मुझे बताओ भैया, अगर देश में मोदी जी न होते तो हम सब टीका लेकर स्वस्थ होते क्या? होते क्या? सबको टीका लगाए ना इस हॉल में, हाथ ऊपर करो तो लगाए ना। ये अखिलेश बाबू कहते थे ये भाजपा का टीका है, लीजिए मत। उन्होंने नहीं लिया, फिर डरकर उन्होंने भी लगा दिया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, आपकी कोई ऐसी आबरू नहीं है कि यूपी की जनता आपकी बात माने, मगर मान गई होती तो तीसरी लहर में क्या होता भैया? क्या होता? सफाया होता या नहीं होता? तो मित्रों, इनको जनता की चिंता नहीं है, भाजपा का विरोध करना उनका काम है। मगर मोदी जी ऐसे विरोध से डरते नहीं है, डंके की चोट पर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम करा, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को हर व्यक्ति 5 किलो अनाज 2 साल तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। मित्रों, आज मैं यहां पर आपके सामने बड़ी विनम्रता से हमारे कामों को बताकर वोट मांगने आया हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मतदान जरूर करिएगा। करेंगे क्या? ऐसा मत मानना कि भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है, हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। जीतने तो वाली ही है, मगर हमें तो आपके वोट से जीतना है। तो वोट करने सुबह पहुंच जाएंगे, आप जाओ न जाओ, दूसरी ओर तो लाइन लगने वाली है। लगने वाली है नहीं लगने वाली है? तो अपनी भी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? सभी भाजपा समर्थक लाइन लगाकर सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंच जाए, और भारत माता की तस्वीर दिमाग में रखकर कमल के निशान पर बटन दबा दे, यही अभ्यर्थना करने आया हूं। मित्रों, फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए, और उत्तर प्रदेश में 300 के ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाइए। योगी आदित्यनाथ को एक बार मौका दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।